नगर पालिका घरोंडा सचिव देवेंद्र नरवाल की अगुवाई में जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स व बॉय स्कूल सहित शहर की भट्टा कॉलोनी में अभिनय आर्ट ग्रुप के कोऑर्डिनेटर तेजबीर धनकड़ व डायरेक्टर रवि सैनी के निर्देशन में तैयार नुक्कड़ नाटक शौचालय बनाओ बीमारी भगाओ में समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाया गया है। नपा सचिव देवेंद्र नरवाल ने कहा कि सबसे अधिक गंदगी शौच के माध्यम से फैल रही है, इसलिए खुले में शौच बिल्कुल बंद करना होगा। शहर के सभी वार्ड खुले में शौच मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। लोगों को शौच आदि के लिए किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए शहर के 14 सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिनमें से 5 शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं ग्रुप डायरेक्टर रवि सैनी ने कहा कि ग्रुप का मुख्य उद्देश्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। आज का ये फिर अभिनय ग्रुप हमने करनाल से मंगवाया, टीम है जो कि गंभीर विषयों को बड़े हास्य स्तर और सामाजिक संदेश देने का कार्य कर रही है। तो आज का जो विषय था वो स्वच्छ भारत मिशन और खुले में शौच से रोकना लोगों को एक संदेश के माध्यम से दिया जाना था। मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उनसे ज़्यादा मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता। घर घर में जाके घर घर में अपने घर तक रिश्तेदारों तक अपने माता पिता और खुले में शौच जाना बंद करें और प्रदेश का और देश की सरकार का जो विजन है विषय है उसका साथ। घरोंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट, आज न्यूज़।